अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में सिंगल वी बट जॉइंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हमने टैकिंग एंड होल्डिंग सीखी थी। आज हम बीट लगाना सीखेंगे और ये जो हमारे पास जॉब है इसे हम मल्टी पासेस में यानी दो पास या तीन पास के अंदर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो होगा हमारा वो इसके स्ट्रिंगर बीट कह लें आप, वो होगी और उसके बाद आप इसके ऊपर मूविंग बीट लगाएंगे। ये याद रखिएगा कि जिस वक्त आपने इसे टैकिंग करनी है और अगर टैग करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छी तरह स्लैग रिमूव करना है, स्लैग रिमूव करने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे थोड़ा स्लैग रह गया है तो आपने बेबी ग्राइंडर की मदद से उस जगह पे ग्राइंडिंग कर लेनी है और ताकि आपकी कंप्लीट जो है वो क्लीनिंग हो जाए और आपकी बीट के अंदर डिफेक्ट ना आए। तो चलें शुरू करते हैं। मैं इसके लिए डीसी करंट यूज़ कर रहा हूँ। डीसी करंट का आपको पता है कि इसमें जो फ्लक्चुएशन होती है करंट की वो बहुत कम होती है और आर्क जो है वो लो करंट पे भी हमारा अच्छी तरह बनता है। तो इस टाइम पे जो मेरा करंट है वो तकरीबन 72-75-80 एम्पीयर्स है। तो चलें शुरू करते हैं, आप अपनी फर्स्ट बीट जो है वो लगाते हैं। आपके पास अपने टूल्स वगैरह कम्प्लीट होने चाहिए और मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा हेलमेट को, क्योंकि आपके हेलमेट के बाद पहनने के बाद जो दोनों हाथ हैं वो फ्री हो जाते हैं और आप इजीली जो है अपनी बीट को कवर कर सकते हैं, अच्छी तरह लगा सकते हैं। ये हमने अपना फर्स्ट पास लगाया है, इसे हम अब टैकिंग से उतारते हैं और इसके ऊपर से स्लैग को रिमूव करेंगे ताकि हम अपना सेकंड पास जो है वो इजीली इसके ऊपर लगा सकें। स्लैग रिमूव करने के बाद आपने अच्छी तरह इसके ऊपर वाइट ब्रश से कह रहे हैं साफ़ करना है, क्लीन करना है इसे, ताकि जो थोड़े बहुत भी डस्ट पार्टिकल हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसे दोबारा जो है वो टैगिंग करूँगा और टैग करने के बाद इसे मैं इसे टैग कर लिया है। आप इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे ताकि आपका इन बिटवीन जो है वो बीट के दरमियान में आपके इलेक्ट्रोड ख़त्म ना हो जाए और बीट में कोई किसी किस्म का डिफेक्ट ना रहे। तो अब हम सेकंड पास लगाने लगे। सेकंड पास लगा के हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
आपने बहुत ही आराम से और बिल्कुल स्लो, आपकी यानी आपके माइंड में सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए बीट के ऊपर और उसकी मोशन के ऊपर, आपके पडल के ऊपर कि आप पडल को कैसे मूव करवा रहे हैं और कहाँ पे मूव करवा रहे हैं। अगर आपने पडल बनाना सीख लिया तो यकीन जाने कि कोई भी पोजीशन हो उसके ऊपर वेल्ड करना नहायत आसान होता है। ये हमने बीट ले आई है तो इसके ऊपर हम स्लैग जो है आप रिमूव करते हैं। स्लैग रिमूव करने के बाद देखते हैं कि इसे क्या करना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये थोड़ा सा क्रेटर है क्योंकि इलेक्ट्रोड ख़त्म हो रहा था और यहाँ पे मैं स्टे नहीं कर सका। अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्टे और करता तो ये जो डिफेक्ट है ये ना आता। इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आके आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे स्लैग इंक्लूजन है। इस स्लैग इंक्लूजन को इंशाल्लाह हम ख़त्म करके इसी वेल्ड की रिपेयरमेंट को सीखेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी अपने मटेरियल को जॉब को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।